पाकिस्तान जो है जैसी भी लेता हुआ घुसा था, और जो बॉर्डर्स पर जो चीज़ें लगाई गई थी, जो टेम्प्रेरी इंतजाम किए गए थे लोगों को रोकने के लिए, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो दूसरी चीज़ें हों, चाहे वो ये नुकीले तार हों, जैसे हम इस बार देख रहे हैं, पहले भी इस तरह की चीज़ें की गई थी। देखिए कल जो मीटिंग हुई उसमें पूरे कयास लगाए जा रहे थे, हर कोई ये बैठ के सोचा था कि इतने नजदीक चुनावों के सरकार से, ये भी कह रहे हैं ना कि किसान संगठन भी इस वक्त राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव के जितने नजदीक इस वक्त जो पल है उसमें सरकार पर दबाव बनाना आसान है। चुनाव के इतने नजदीक सरकार भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि आंदोलन को इतना उग्र इतना बड़ा बनाया जाए, उस आंदोलन को जिस आंदोलन ने बॉर्डर्स पर महीनों बिता दिए थे। इस बार सरकार ने ये दोनों काम किए हैं, एक तरफ बातचीत भी शुरू की है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी भी की है। ये भी दिखाने की एक कोशिश है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम अगर चाहोगे तो खुल जाओगे, ऐसा भी नहीं है, इतना आसान भी दिल्ली में घुसना नहीं है। एमएसपी पर कल भी हमने देखा, मीटिंग के बाद ये हल निकला कि एमएसपी के जरिए एक बड़ा मसला ये है कि उसको फौरन ही सरकार की तरफ से कहा गया कि एमएसपी को फौरन ही लागू किया जाता है। तो ये बड़ी प्रोसेस है, ये बड़ी प्रोसेस तो काफी किसानों ने कहा कि आपने तो पहले कहा था, अब भी आप कह रहे हैं बड़ी प्रोसेस है। के गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और ये वही गाजीपुर बॉर्डर है जहां पर इससे पहले भी नाकाबंदी और बॉर्डर सील हो चुके हैं, और ये आज जो पीछे आप कटीले तार देख रहे हैं ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि फिर से किसानों के बीच कुछ हलचल है। जी हाँ, किसानों ने आह्वान किया है कि वो दिल्ली कूच करेंगे, कई सारी मांगे हैं, और हम आज दिखाएंगे कि गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरह के हालात हैं, प्रशासन की कैसी मुस्तैदी है, और साथ ही साथ किस तरह से बॉर्डर को सील किया गया है। हमारे सहयोगी अकरम जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। अकरम भाई, आप देख भी रहे हैं कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है, और आप ये जो तस्वीरें जो दिख रही हैं, किस तरह के हालात हैं अभी बॉर्डर के, क्या लगता है कि किसान यहाँ पर आएंगे, आगे जाने दिया जाएगा? हमारी अभी जो बीके यू भारतीय किसान यूनियन के जो लोग थे, क्योंकि गाजीपुर की इस बॉर्डर की अगर हम बात करें तो पिछले आंदोलन में जो पिछला किसान आंदोलन था उसमें इस बॉर्डर पर जो प्रभाव था वो भारतीय किसान यूनियन के संगठन का बड़ा प्रभाव था, क्योंकि जो पूरी बेल्ट है जो पश्चिम यूपी से कनेक्ट करती है, जो NE3 के जरिए मेरठ बागपत और ये पूरी जो बेल्ट है सहारनपुर तक, या इधर आप कहें दूसरी देहरादून तक, तो आप इस बेल्ट को देखेंगे, इस पूरी बेल्ट में जो प्रभाव है वो BKU यानी जाट किसानों का बड़ा प्रभाव है। ये पूरा इलाका ही जाट किसानों का प्रभाव से जो है वो प्रभावित है। तो यहाँ पहले जो मजबूत इफेक्ट था, जो इम्पैक्ट था, वो उस संगठन का इम्पैक्ट था। इस बार अब तक हमने जितने भी लोगों से, यहाँ रहने वाले किसानों से बात की है, तो उनका यही कहना सीधा सा आया है कि उनको यहाँ कोई कॉल नहीं दी गई है। हालांकि सील इस इलाके को भी किया गया है, क्योंकि पिछली बार भी हमने जैसे देखा कि जब सिंगू बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर उस तरफ से हरियाणा और पंजाब से बड़ी तादाद में किसान आए, वो किसान आके वहां खड़े हुए, वो किसान आके उन्होंने प्रोटेस्ट किया और बॉर्डरों को तोड़ते हुए जब वो आगे बढ़े, तो गाजीपुर बॉर्डर पर उसके बाद में जो है वो गतिविधियां बढ़ी, उसके बाद में बड़ी तादाद में लोग गाजीपुर बॉर्डर पर आए, गाजीपुर लोगों को बॉर्डर फिर इतना बड़ा बॉर्डर बन गया, किसानों का इतना बड़ा हब बन गया कि बड़ी लोग कई किलोमीटर तक जो किसानों के जो झुग्गी झोपड़ियां थी वो उन्होंने यहाँ पर लगा ली। मतलब पिछले अगर आंदोलन की हम बात करें तो उसकी शुरुआत पहले उधर से हुई थी। हमने देखिए इम्पैक्ट जो था वो सीधा सा सिंगू और शंभू बॉर्डर से पहले देखने को मिला था, वहां से किसान आए थे। आपको याद होगा कैसे कि हमें शंभू बॉर्डर की वो वीडियो आई थी जब किसान जो है जेसीबी लेता हुआ घुसा था, और जो बॉर्डर्स पर जो चीजें लगाई गई थी, जो टेम्प्रेरी इंतजाम किए गए थे लोगों को रोकने के लिए, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो, चाहे वो ये नुकीले तार हो, जैसे हम इस बार देख रहे हैं, पहले भी इस तरह की चीजें की गई थी, इवन सड़कों पर कीले तक गाड़ी गई थी, आपने भी हमने भी वो देखा। तो वो जब सिंगू बॉर्डर और शंभू बॉर्डर से वो उखाड़ते हुए किसान उधर से आए, तो उसके बाद जो इम्पैक्ट पड़ा था वो इस गाजीपुर बॉर्डर पर पड़ा था, और उस आखिर तक फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि जब गाजीपुर बॉर्डर के किसानों ने पूरे किसान आंदोलन को लीड किया। हालांकि उसको ऐसा कहना गलत होगा कि गाजीपुर ने लीड किया, क्योंकि लीड वो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा जो था जिसमें कई संगठन थे वो लीड कर रहे थे, लेकिन यहाँ वो लीड इसलिए हम कहेंगे कि एक वक्त ऐसा आ गया कि जब बात हो रही थी कि गाजीपुर बॉर्डर, क्योंकि बड़े प्रभाव का बॉर्डर है उत्तर प्रदेश से, आज जो देखा जा रहा है क्योंकि ये बॉर्डर वो है जो उत्तर प्रदेश और यूपी को कनेक्ट करता है, और सिर्फ ये ही नहीं, इसके अलावा भी दूसरे जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से सील मोर कर दिए गए हैं। अगर हम इस तरफ अगर कैमरा दिखाएं, देखिए ना सिर्फ जो है कटीले तार हैं बल्कि उसके उस तरफ भी जो है खड्डा खोद दिया गया है ताकि किसी भी तरह ट्रैक्टर भी अंदर ना जा सके। तो क्या इस तरह की परिस्थितियों से क्या जाहिर होता है
किसानों से कि क्या वाकई सरकार को कोई डर है या कुछ बाढ़ तालाब जो उनके बीच हुई है उससे लग रहा है कि हालात जो है वो सही हो जाएंगे? देखिए, कल जो मीटिंग हुई उसमें पूरे कयास लगाए जा रहे थे। हर कोई ये बैठ के सोचा था कि इतने नजदीक चुनावों के सरकार से, ये भी कह रहे हैं ना कि किसान संगठन भी इस वक्त राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि चुनाव के जितने नजदीक इस वक्त जो पल है उसमें सरकार पर दबाव बनाना आसान है। तो कयास लगाए जा रहे थे कि कल की जो मीटिंग है उसमें किसानों को मना लिया जाएगा, बात कर ली जाएगी, और काफी हद तक सरकार की तरफ से हमने देखा सारी बातें मानी भी गई। अगर आप MSP या रड़ की बात को हटा दें, MSP पर फिर आके किसान वहीं अटक जाते हैं, वो लोग भी वहां पे जाके डट जाते हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे। तो कयास पूरे लगाए जा रहे थे कि कल ये मामला रुक जाएगा, लेकिन चूंकि इससे अब पिछले आंदोलन इस आंदोलन में फर्क ये था कि पिछले आंदोलन में, एक सवाल आपसे जोड़ना चाहता हूँ, आपने जो पिछला आंदोलन था वो पूरा अच्छे से कवर किया था पहले दिन से, डे फर्स्ट से लेके आखिरी दिन तक, और वो तमाम बाइटें आपकी नजरों से गुजरी थी जो राकेश टिकैत कहते हुए नजर आए थे, जो सिंगू बॉर्डर के जो किसान थे वो कहते हुए नजर आए थे, उन परिस्थितियों को देखते हुए और जो आज की परिस्थिति है, क्या उससे आपको जाहिर होता है या लगता है ऐसा कि ये किसान आंदोलन 2.0 नजर आ रहा है? देखिए, अभी बहुत जल्दी होगा इस तरह का कोई भी बयान दे पाना। मैं वही बात पिछले सवाल पर भी कर रहा था कि पिछले आंदोलन इस आंदोलन में बड़ा फर्क है। पिछले आंदोलन में सरकार काफी आगे तक बात करने के लिए तैयार ही नहीं दिख रही थी, इल्जाम ये भी लग रहे थे कि अपनी बात पे अड़ी हुई है सरकार और वो सुनने के लिए भी तैयार है। इस आंदोलन में सरकार ने पहले ही, यानी जिस दिन 13 तारीख को आंदोलन की बात थी, 12 तारीख से ही मीटिंग शुरू हो गई। सरकार ने, मंत्रियों ने बैठकर जो है वो किसानों से बातचीत शुरू कर दी। तो बातचीत शुरू करने का मकसद ये था कि सरकार भी ये चाह रही थी कि इस दौरान जो है वो आपस में बातचीत करके इस मसले को यही शांत कर दिया जाए। चुनाव के इतने नजदीक सरकार भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि आंदोलन को इतना उग्र, इतना बड़ा बनाया जाए, उस आंदोलन को जिस आंदोलन ने बॉर्डर्स पर महीनों बिता दिए थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो कयास लगाए जा रहे थे कि कल ये मामला रुक जाएगा, लेकिन जिस तरह से ये मामला कल की जो मीटिंग हुई और उसमें किसान अड़ गए, नहीं हम तो इस बार भी MSP लेकर ही मानेंगे, तो उसके बाद लग रहा है कि शायद आगे की किसी मीटिंग में ये मामला दब जाए या आपस में एक समझौता हो जाए या MSP पर सरकार, हालांकि मुश्किल है MSP पर सरकार का मानना। सवाल ये भी जो है जोर शोर से उठता है कि कटीले तार लगाने से कि सरकार ये सोचती है कि किसान डर जाएंगे, ऐसा नहीं है? अगर सरकार कई दौर की बैरिकेडिंग लगाती है तो क्या किसानों को रोक लेगी? ये तमाम सवाल उठते हैं। अगर सरकार वाकई बात करती है और बातचीत से कोई मसले का हल निकलता है तो फिर कटीले तारों की क्या जरूरत है? देखिए, दोनों दो तरफ से काम किया जा रहा होता है। एक वक्त एक चीज ये हो रही होती है कि सिक्योरिटी किया जाता है, जैसे दिल्ली में ना उसने दिया जाए उसके लिए मल्टी लेवल सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है। दूसरा तरीका यह होता है कि दूसरी तरफ बातचीत हो रही होती है। उस बार, इस बार की सरकार ने ये दोनों काम किए हैं, एक तरफ बातचीत भी शुरू की है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी भी की है। ये भी दिखाने की एक कोशिश है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम अगर चाहोगे तो घुस जाओगे, ऐसा भी नहीं है, इतना आसान भी दिल्ली में घुसना नहीं है। पिछली बार भी हमने देखा कि कोशिश भले ही किसानों ने की लेकिन दिल्ली में नहीं घुस पाए थे, दिल्ली के बॉर्डर्स पर उनको रोक दिया गया था। भले ही पीछे वो बॉर्डर्स तोड़ते हुए आगे बढ़ गए थे लेकिन दिल्ली के बॉर्डर्स पर वो रुक गए थे, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो। तो इस बार भी सरकार दोनों तरफ से जो कोशिश कर रही है कि एक तरफ ये भी दिखा रही है कि नहीं हम आपकी किसी भी बात को नहीं मान लेंगे, दूसरी तरफ सरकार बैठकर बात भी कर रही है, मीटिंग भी कर रही है, ये भी मनाने की कोशिश है कि आइए आप बैठिए, हम इसको किसी ऐसे लेवल पर इस बातचीत को लेकर जाएं जहां आपकी भी बात मान ली जाए और सरकार या सरकार की किसी नीति पर भी उस पर फर्क ना पड़े। किसानों की प्रमुख मांगों में से एक MSP है। MSP पर कल भी हमने देखा मीटिंग के बाद ये हल निकला कि MSP के जरिए एक बड़ा मसला ये है कि उसको फौरन नहीं, सरकार की तरफ से कहा गया कि MSP को फौरन नहीं लागू किया जा सकता। तो एक बड़ी प्रोसेस पर ये बड़ी प्रोसेस तो काफी है। किसानों ने कहा कि आपने तो पहले कहा था, अब भी आप कह रहे हैं बड़ी प्रोसेस है। किसानों का ये कहना है कि सरकार ये कहती है कि इससे फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं ऐसा किए जाने से। किसान कह रहे हैं दूसरी तरफ कि फाइनेंशियल क्राइसिस कहां से आएंगे, देश की बड़ी संख्या जो है वो किसानों की है, तो पैसा किसानों पे जाएगा तो वापस देश में घूम रहा होगा। तो ये इस तरह के जो आपस में टकराव है ना, जब तक या तो इस पर समझौता एक चीज होगी या किसान, आपने कहा कि क्या किसान आंदोलन 2.0 होने वाला है, ये इतनी जल्दी कह देना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी क्योंकि गाजीपुर को जिस तरह आप ट्रैफिक तो देख रहे हैं, किसान नहीं देख रहे हैं। तो जिस तरह गाजीपुर सुना पड़ा है, जब तक ये गाजीपुर बॉर्डर सुना रहेगा
तब तक नहीं कहा जा सकता। अगर हाँ यहाँ किसान बड़ी तादाद में आज आ गए तो एक बड़ा आंदोलन देखा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे सहयोगी सैयद अकरम आपको बता रहे थे कि किस तरह से जो स्थिति है वो रहने वाली है, इस आंदोलन को किस तरह से देखा जा सकता है। लेकिन चलते चलते आपको एक तस्वीर और दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप आइए, ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ कटीले तार है, लेकिन इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर गहरा खड्डा यहाँ पर खोद दिया गया है, ताकि अगर यहाँ से किसान आते हैं तो इधर से किसी भी स्थिति में उनके ट्रैक्टर जो है इसको क्रॉस ना कर पाए। और उसके आगे आप बैरिकेटिंग भी देख सकते हैं, कई दौर की बैरिकेटिंग है और ये कटीले तार यहाँ पर लगा दिए गए हैं। बहरहाल गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी गई है, गाजीपुर बॉर्डर पर बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी हालात ये हैं कि किसानों का कोई भी ट्रैक्टर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर है, जहाँ पर ये देखिए तारबंदी की गई है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है रास्ता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कील है, देखिए उतारी जा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर है, जहाँ पर किसान 13 महीनों तक बैठे थे और फिर से सरकार की नीतियों से असहमत होकर और अपनी मांगों को लेकर फिर से ये किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और उसी को रोकते हुए यहाँ पर देखिए बैरिकेटिंग लगा दी गई है, किस तरह से पूरा ब्लॉक कर दिया गया, ये देखिए तारबंदी की गई है और कटीले तार यहाँ पर लगाए गए हैं। और यहाँ पर सिर्फ तार ही नहीं, बल्कि आप नीचे देख सकते हैं किस तरह से सीमेंट भर दिया गया है इसमें, ताकि किसी भी तरह से ये जो बॉर्डर है इसके अंदर जो है, यानी दिल्ली में किसान जो है वो प्रवेश ना कर पाए। और ये वो दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर है, तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आप पीछे देखेंगे तो तमाम फोर्स आपको नज़र आएगी, और यहाँ पर भी इस तरह से जो है तालाबंदी की गई है।